कोरोना महामारी ने रोजी रोजगार छीनने के साथ साथ बीमारी के महंगे इलाज ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। ऐसे में खरगोन शहर में गरीब और जरूरतमंद लोगों तक दो वक्त का भोजन पहुंचा रहे मेरा प्यारा खरगोन व्हाट्सएप ऐप परिवार और खालसा की फौज का योगदान सराहनीय है। कोरोना महामारी त्रासदी के कारण खरगोन शहर के गरीब और जरूरतमंद बाशिंदों को भूखा न सोना पड़े, इसकी जिम्मेदारी शहर के अनेक स्वयंसेवी संगठनों ने उठा रखी है। मेरा प्यारा खरगोन व्हाट्सएप परिवार और खालसा की फौज के सभी 120 सदस्य अल सुबह से लेकर शाम तक जरूरतमंद लोगों को भोजन उपलब्ध करा रहे हैं। इस ग्रुप के सदस्य अपनी भूख की चिंता किए बिना खरगोन के अस्पतालों में पहुंचकर मरीजों को और उनके परिजनों को संपूर्ण आहार युक्त निशुल्क भोजन परोस रहे हैं। इस ग्रुप में व्यापारी, समाजसेवी, डॉक्टर सहित कई वर्गों के लोग मुफ्त हृदय से मानवता की सहायता कर रहे हैं। दीपक अग्रवाल, राजू चावला, डॉक्टर आशीष सोनी, पूर्णा ठाकुर, अमित जैन, जयप्रकाश पटेल, प्रफुल्ल डोंगरे सहित ऐसे 120 युवा हैं जो बीते 36 दिनों से सैकड़ों लोगों को दो वक्त का भोजन निशुल्क उपलब्ध करा रहे हैं। रविवार को समाज सेवी मनोज रघुवंशी की उपस्थिति में ग्रुप के सदस्यों ने भोजन वितरण वाहनों को रवाना किया। कोरोना महामारी के बीच जहां खुदरा किराना खाद्य सामग्री की कीमतों में मनचाहा दाम वसूला जा रहा है, वहीं मेरा प्यारा व्हाट्सएप परिवार और खालसा की फौज मानवता की सेवा में जुटी है। ऐसे ग्रुप को हमारा सलाम है। खरगोन ब्यूरो से अनिल पांडे की रिपोर्ट। आज जो भ्रमण हो रहा है कोई विशेष उद्देश्य का है और आप इस समय क्या भूमिका निभा रहे हैं? जी, ये अच्छा तो अच्छे से बचाने के लिए मतलब आर्सेनिक की होम्योपैथिक प्रिवेंटिव मेडिसिन है आर्सेनिक की, ये मैं वितरित कर रहा हूँ, विशेष वितरण कर रहा हूँ ताकि अपने ओर से विशेष वितरण कर रहा हूँ ताकि सभी लोग इस महामारी के प्रकोप से बचे रहें। तो ये लेते रहेंगे तो इसमें संक्रमण की संभावना काफ़ी कम हो जाएगी। दीपक जी, ये जो आपका प्रयास चल रहा है सराहनीय है, कब से जारी है और कब तक जारी रहेगा? अगर 36 दिनों से जारी है और जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक हम इसे अनवरत जारी रखेंगे। इस दौरान आप क्या क्या व्यवस्थाएँ देख रहे हैं, संसाधन देख रहे हैं गरीब वर्ग के? मैं अकेला हूँ लेकिन एक मेरे साथ मेरे 115 साथी और हमारी खालसा की फौज की टीम के समस्त साथी लगे हुए हैं और हम सुबह और शाम का निःशुल्क भोजन सभी अस्पतालों में, असक्त परिवारों में अपंग लोगों को ढूंढ ढूंढ कर उनको भोजन करवाते हैं सुबह भी और शाम को भी। सुबह 11 बजे से स्टार्ट कर देते हैं भोजन वितरण करना और क्वारंटाइन परिवार हमें फ़ोन करके बोलते हैं चाहे जो समस्या है कि हम भोजन भी उनको मिल रहा है, उनके घर तक हमारी टीम जाती है, हमारे साथी जाते हैं, उनको भोजन भी जाते हैं। पूर्णा जी, इस समय जो कोरोना काल चल रहा है बाकी सब चीज़ों पर शासन प्रशासन की भी नज़र है, लेकिन जो रोज़मर्रा की खुदरा खाद्य सामग्री है उनकी कीमतें इतनी बढ़ गई हैं कि उस स्थिति में ये जो प्रयास हो रहे हैं निःशुल्क भोजन के, ये काफ़ी सहयोग दे रहे हैं, लेकिन फिर भी कई परिवार इन जो महंगाई बढ़ी है उसको लेकर के जद्दोजहद की ज़िंदगी जी रहे हैं। ये आपदा का समय है और कुछ कतिपय गंदी मानसिकता और निम्न श्रेणी के लोगों ने, जिनको इंसान कहना गलत होगा, आपदा को अवसर में तब्दील करने का एक वो बीड़ा उठा रखा है। ऐसे लोगों के कारण ये सारी परिस्थितियाँ निर्मित हो रही है, जो कालाबाजारी कर रहे हैं, जो महंगाई बढ़ा रहे हैं और सारी चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन ये जो ग्रुप है अपना खरगोन, ये अपना प्यारा खरगोन खरगोन का एक व्हाट्सएप ग्रुप है जो 115 जाबाज साथियों के साथ बना हुआ है। ये सारे लोग आज 36वां दिन उनकी भोजन व्यवस्था और यह केवल एक है कि नर सेवा नारायण सेवा करेंगे और जब तक परिस्थितियाँ सामान्य नहीं हो जाती हर व्यक्ति तक भोजन हम पहुँचाने का प्रयास करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।